इधर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति मुख्यमंत्री खट्टर पर जाट आंदोलनकारियों से धोखे का आरोप लगाकर आगामी रणनीति को तैयार करने में जुट गए हैं। हिसार में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि हरियाणा में जाटों को गैर जाटों से लड़ाने की सरकार की कोशिशों को वो कामयाब नहीं होने देंगे। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, जाट आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को लेकर आपका समझौता ये हुआ था कि तमाम केसेस को वापस ले लिए जाएंगे, जबकि सरकार ने कोर्ट के सामने पक्ष ये रखा कि हम कोई भी गंभीर किस्म का कोई मामला वापस नहीं लेंगे। ऐसे में एक तरीके से समझौता पूरी तरह खारिज हो चुका है। देखिए, ये पहली सरकार है जिसका प्रधानमंत्री और जिसके मुख्यमंत्री दोनों से जाट समाज का विश्वास उठ चुका। चार बार समझौते हुए प्रधानमंत्री ने खुद अपने घर बुला के 26 मार्च 2015 को आरक्षण देने का वादा किया। अब तक वो भी संसद में ही है, जो केंद्र का आरक्षण है 9 राज्यों का है। और जो मुख्यमंत्री से दो बार तो खुद मुख्यमंत्री के साथ समझौते हुए, उससे पहले भी दो बार उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी से समझौते हुए, और समझौते को जिस तरह से वो लागू करते हैं, और अगली जब रैली आती है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं नौकरियों से संबंधित बात थी, तो उसका अभी फिर प्रक्रिया शुरू हुई। जो लोग धरनों पे गुजर गए थे, जिनकी शहादत हो गई थी धरनों पे बैठे बैठे, उनकी नौकरियों की फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू की, यानी कि 3-4 महीने बाद, मार्च के बाद, और ये फिर उस तरह की बात है। तो ये सरकार उस तरह की सरकार है कि जिससे लगभग लगभग पूर्ण विश्वास उठ चुका है अब लोकर। अब आगे ऐसी कोई वार्ता और समझौते की कोई गुंजाइश भी नहीं रही है। अब 2 तारीख को 2 जून में राष्ट्रीय स्तर के तमाम पदाधिकारी, हरियाणा के हर गांव के लोगों को जसिया बुलाया गया है 2 जून को, और उस दिन को बड़ा निर्णय लेंगे। देशव्यापी आंदोलन कैसे हो, देश में प्रजातंत्र का बहुत बड़ा महत्व है, और प्रजातंत्र में जाट समाज के लोगों की बहुत अच्छी भागीदारी के कारण ये सरकार बनी थी, और जो सपने इन्होंने जाट समाज को दिखाए थे, जिस तरह के व्यवहार ये जाट समाज के साथ कर रहे थे, उस तरह के व्यवहार पे मैं अभी भी कराना और नूरपुर में भी मैं गया था, वहां भी लोगों को समझाया है, वहां के रिजल्ट देखते हैं क्या आते हैं। ये तमाम चीजें हैं देश में दोनों तरह का आंदोलन से भी, प्रजातांत्रिक क्या तरीके हैं, प्रजातंत्र में किस तरह से इनको बताया जा सकता है। तमाम 36 बिरादरी को साथ लेके जो नाटक इन्होंने हरियाणा में किया था 35-1 का नारा देने का, और 2 टीम इन्होंने अपनी बनाई थी, एक ए टीम और एक बी टीम। ये ए टीम में मनीष ग्रोवर, अश्विनी चोपड़ा और राजकुमार सैनी थे, और बी टीम में सुभाष बरोला, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनकर थे। और जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मीडिया उसको दिखा नहीं रहा, वो ओम प्रकाश धनकर के रिश्तेदारों ने ही 2016 फरवरी का आंदोलन शुरू कराया था लोगों को कहकर, और ना उनके कहीं नाम है ना उनपे मुकदमे दर्ज हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं, जाट समाज को ज्यादातर इनकी साजिशों का पता लग चुका, जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में कराया था उसका पता लग चुका, जिस तरह से वो जातियों को झगड़वाते हैं वो सब चीजें पता लग चुकी। अब 2 जून को आंदोलन की क्या रणनीति हो, क्या तरीका हो, प्रजातांत्रिक तरीके से किस तरह से इस सरकार को एक्सपोज किया जाए, ये तमाम चीजें, मुकदमे जो हमारे भाइयों के हत्यारे थे उन पर तो आज लोग भी कोई मुकदमा नहीं बना, जो हमारे जाटों की हत्याएं हुई थी, जो जाटों पे, उन पर तो कोई मुकदमा नहीं है। तो पूरे हरियाणा को ये बताने का काम किया जाएगा, कोर्ट को भी ये बताने का काम किया जाएगा कि किस तरह की साजिश ये रच रहे हैं। अपने ही लोग आरएसएस के कार्यकर्ताओं से किस तरह झूठे मुकदमे डलवाते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से झूठा साजिश रचते हैं, ये सारी चीजें बताई जाएगी सरकार की कथनी और करनी में। गांव गांव जाकर ये 2 जून के बाद सब उसमें निर्णय लेंगे, अंतर बताया जाएगा। सरकार पर भरोसा नहीं है, समझौते की गुंजाइश नहीं है, ऐसे में बड़े आंदोलन की आप बात करें तो नतीजा किस तरीके से निकलेगा? नतीजा तो देखिए, ये प्रजातंत्र है, हम इस लड़ाई को आज से तो लड़ना शुरू किए, 12 साल प्रयास किया था, 7-8 साल बाद प्रयास में 2-3 भाइयों की शहादत के बाद रिजर्वेशन मिला था, और अब तो जो साजिश इन्होंने रची है वो सबसे घृणित साजिश है। मतलब लोकतंत्र के नाम पे खतरा है, ये लोकतंत्र के नाम पे खतरा है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कहने के बावजूद और समझौता करने के बावजूद और उसके बाद अदालतों में अलग एफिडेविट दिए जा रहे, तो ये सोचने की बात है, लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये हमारे साथ नहीं, किसानों के साथ यही धोखा है, बहुत से सरकारी कर्मचारियों के साथ यही धोखा है, बहुत से तमाम हरियाणा में आप देखें, कोई आंदोलन का ऐसा कोना नहीं हरियाणा का, कोई जिला जहां आंदोलन न लगातार हो रहे हो,
पूरे देश में आप देखें इनके खिलाफ तमाम आंदोलन हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से जो संभव हो सकेगा उसे शांतिपूर्वक तरीके से मांग मनवाएंगे, इनकी साजिश में नहीं आएंगे। जो ये चाहते हैं कि हरियाणा में जाट और गैर जाट का भेदभाव बढ़े, उस साजिश में भी नहीं आएंगे। 2 तारीख का सम्मेलन इसीलिए बुलाएगा कि इनकी साजिशों की काट क्या है। चलिए, मंथन का दौर शुरू हो चुका है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े तमाम नेता ये सोचने को मजबूर हो चुके हैं कि आखिर सरकार की साजिश क्या है और किस तरीके से उस साजिश को बेनकाब करना है, और इसी मंशा के साथ जाट आंदोलन से जुड़े तमाम नेताओं को रोहतक के जसिया में इकट्ठा किया जाएगा और एक प्रजातांत्रिक तरीका तलाशने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।